देखिए भारत में 400 सीट पार करेंगे ही करेंगे मोदी जी, कोई भी आ जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बिखर गया, समाप्त हो चुका, किसी और के और काम के लिए सरकार थी वो, धोखा दिया सब उनको ना भाई। बिहार में पिछले दिनों जो सरकार थी वो काम नहीं कर रही थी, आपस में लड़ रहे थे। बीजेपी स्थिर रहती है, बीजेपी अपनी जगह पे रहती है, सब कोई अपना अपना क्रेडिट लेने में लगे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था। सेनापति ही नहीं रहता है तो उस फौज का क्या होगा, वो फौज अब रही ही नहीं, इंडी नाम का कोई अलायंस अब रहा ही नहीं इस देश में। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन को बड़ा झटका देने के बाद बीजेपी के सांसदों ने खूब बड़ा हमला लालू प्रसाद यादव पर बोला है। डकैतों से लुटेरों से बचाने के लिए नीतीश कुमार मोदी के साथ आ गए हैं। बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात करें, सांसद रामकृपाल यादव की बात करें, सांसद सुशील सिंह की बात करें, या फिर बीजेपी के कई सांसदों से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा है कि लुटेरों से, चोरों से और डकैतों से बचाने के लिए अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, महज कुछ देर के बाद नीतीश कुमार नौवीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, और किस तरीके से तमाम मंत्रियों ने महागठबंधन की सरकार टूटने पर बड़ा हमला बोला है, लुटेरे चोर डकैत बता दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं सभी सांसद, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है, अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार आ गए, अब लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार लंबा चलेगी सर। जिस प्रकार की साजिश रची गई थी जी, और बिहार को पुनः जंगल राज में को थोपने की जो साजिश थी, जो उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया कि बिहार को बंगाल जैसी परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़े, बिहार में फिर उसी तरह से चोरी और चोरों और डकैतों का शासन नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय किया उसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब एनडीए ये गठबंधन का क्या होने वाला है, क्योंकि एक मुख्य चेहरा माने जा रहे थे नीतीश कुमार। देखिए भारत में 400 सीट पार करेंगे ही करेंगे मोदी जी, कोई भी आ जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह रूडी जी, अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार है, क्या ये सरकार अब लंबा चलेगी, क्योंकि पहले आपको किसने क्या कहा कि नहीं चलेगी, बना है सरकार चलने के लिए और बिहार की अच्छाई के लिए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार जो है एनडीए से अलग होते हुए नजर आए, उसके बाद भी भरोसा, सब राम का प्रभाव है, अब छोड़ दीजिए सब बात। एनडीए का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिखर गया, समाप्त हो चुका, समाप्त हो चुका। रामकृपाल यादव है, अब तो आप लोगों ने खेला कर दिया, जो सस्पेंस आप लोगों ने बनाया अब वो सस्पेंड टूट चुका है। हाँ हाँ, बिल्कुल टूट गया। क्या लगता है महागठबंधन की सरकार ठीक से नहीं चल रही थी, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा, वो सरकार थोड़ी थी भाई, सरकार थोड़ी थी। अच्छा, वो सरकार नहीं थी, जनता वाली सरकार नहीं थी, किसी और के और काम के लिए सरकार थी वो। लेकिन नीतीश कुमार को तो आप लोग खूब सुबह से लेकर शाम तक सुनाते थे, अब क्या मिला कि दिल एक हो गया है, दिल एक हो गया, परिस्थिति अनुकूल दिल एक हो गया जी, राजहित में होना था जी, प्रदेश के राज्यों के प्रदेश के जनता के हित में काम नहीं हो रहा था, इसलिए ये निर्णय स्वाभाविक तौर पर राजहित को देखते हुए हमारी पार्टी ने लिया है, और निश्चित तौर पर राज्य के हित और जनता के हितों के रक्षा होगी, और विकास जो बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था अब रफ्तार से विकास होगा। नीतीश कुमार लगता है कि ईमानदार है, और एनडीए के साथ आने के बाद अब जो सरकार है वो अच्छे से चलने वाली है, निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी जब जब एनडीए के पार्टनर रहे हैं, साथ रहे हैं, तब तक सरकार कंफर्ट रही है, और मैं समझता हूं कि आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी, हाँ, इनके साथ आ जाने से आगे भी रहेगी। लेकिन INDI में वो जाने के बाद पीएम फेस के लिए उनका नाम लगातार जेडीयू के नेता, धोखा दिया सब उनको ना भाई, INDI में उनको धोखा मिला, इसलिए एनडीए की तरफ आ गए। निश्चित तौर पर आपने देखा नहीं होगा किस तरह से उनको जलील किया गया। तो देखिए नीतीश कुमार को जलील। बीजेपी के सांसद सुशील सिंह हमारे साथ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट गई, जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। सुशील जी, क्या लगता है अब ये जो सरकार बनी है बीजेपी के साथ एनडीए की, अब ये सरकार अच्छे से चलने वाली है नीतीश कुमार के साथ? देखिए आप पुरानी बात याद कर लीजिए, जब जब एनडीए की सरकार बनी है और जिसमें बीजेपी रही है, तब तक वो केवल स्थायी ही नहीं रही, स्टेबल ही नहीं रही है, बल्कि उसने बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में अमन चैन के लिए अच्छा काम किया है। एक स्थिर सरकार होती है। बिहार में पिछले दिनों जो सरकार थी वो काम नहीं कर रही थी, आपस में लड़ रहे थे,
कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, अपनी डफली अपनी राग लोग अलाप रहे थे, इससे बिहार का नुकसान हो रहा था। लेकिन जिस सरकार में बीजेपी रहती है वो स्थायी रहती है, वो विकास करती है, अमन चैन लाती है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और बिहार की जनता को उम्मीद है, आशा है भारतीय जनता पार्टी से कि ये सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन एनडीए के साथ नीतीश कुमार पहले भी थे, उसके बावजूद वो अलग होते हैं, अब उम्मीद है कि साथ रहेंगे, लेकिन ये सरकार चलने वाला है। मैंने पहले कहा ना, बीजेपी स्थिर रहती है, बीजेपी अपनी जगह पे रहती है, कोई यहाँ आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन हम तो जहाँ खड़े रहते हैं वहीं खड़े रहते हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में ठीक तरीके से नहीं चल रही थी, आपको तो खुद का अनुभव होना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार में मंत्री कुछ बोल रहा था, कोई मंत्री कुछ बोल रहा था, सरकार कुछ बोल रही थी, सब कोई अपना अपना क्रेडिट लेने में लगे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था। काम यही हो रहा था कि सब लोग क्रेडिट लेने में लगे थे, समाज को बांटने में लगे थे, समाज को तोड़ने में लगे थे। कोई कुछ, कोई राम जी पर बयान देता था, कोई रामायण पर बयान देता था, फिर उनको मना किया जाता था, फिर सफाई दी जाती थी, यही तो हो रहा था बिहार में। आई इंडिया ये गठबंधन का क्या होगा, जो चेहरा माने जा रहे थे नीतीश कुमार, अब तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये टूट जाएगा क्या? जैसे जो आदमी पहली बार पटना में बैठक कराए, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी और जो लीड ले रहे थे, अब जब सेनापति ही सेनापति ही नहीं रहता है तो उस फौज का क्या होगा? तो वो फौज अब रही ही नहीं, इंडी नाम का कोई अलायंस अब रहा ही नहीं इस देश में। तो आपने सुना और आपने देखा भी कि सभी सांसदों ने साफ तौर से नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है, नीतीश कुमार के साथ अब एनडीए जो है सरकार बिहार में बनाने जा रही है। मोदी के कमांडरों ने साफ तौर से लालू प्रसाद यादव पर, उनकी सरकार पर जो बिहार में चल रही थी उसको तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद गरजते हुए लालू परिवार पर नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना है क्या होता है। लालू प्रसाद यादव भी किंग मेकर कहे जाते हैं, चुप रहने वालों में से नहीं है, मगर आई एनडीए का जो मुख्य चेहरा नीतीश कुमार माने जा रहे थे वो अब एनडीए के तरफ आ चुके हैं। क्या होगा आई एनडीए का? बीजेपी सांसदों ने कह दिया समाप्त हो चुका, सब खत्म, क्या होगा देखने वाली बात। बहरहाल इसका बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव चैटिंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव चैटिंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।